हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू एज गुरु। और आज मैं आपके सामने बिहार दरोगा का 25वां सेट लेके उपस्थित हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अंगुत्तर निकाय किस बौद्ध पिटक से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ठीक है, सुत पिटक होगा। ठीक है, सुत पिटक जो है बौद्ध धर्म के सिद्धांत और उपदेश इसमें दिए गए हैं। रुद्र वर्मन द्वारा निर्मित जूनागढ़ शैल उत्कीर्ण के अनुसार मौर्य क्या थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वैश्य थे। ठीक है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। किस गुप्त शासक को 100 युद्धों का नायक की संज्ञा दी गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त को। उन्होंने भारत में अपना पहला आक्रमण किसके काल में किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ठीक है, कुमारगुप्त के समय में किया था। और हुनों को किसने परास्त किया था? स्कंदगुप्त ने। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कृषि। ब्रह्मांड के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत डार्क मैटर द्वारा निर्मित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 80%। तारों के निर्माण की प्रारंभिक अवस्था को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नेब्यूला। नेक्स्ट है, पृथ्वी के आकार एवं आकृति का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जियोडेसी। भारत में कुल वर्षा का कितना भाग दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 70 से 80%। और भारत का उत्तरी बिंदु क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अन्य। ठीक है, इसका जो भारत का जो उत्तरी बिंदु है वो क्या है? इंदिरा कॉल है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। राकस झील से निकलकर सतलज नदी भारत में किस दर्रे के द्वारा प्रवेश करती है? इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, शिपकिला दर्रा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। पृथ्वी की परतों को सतह से केंद्र की ओर सुनियोजित क्रम क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है एथनोस्फेयर, मेंटल, उसके बाद द्रवित कोर, तब ठोस कोर। तो सही उत्तर होगा 1, 2, 4 और 3। सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1, 2, 4 और 3। विश्व में किस रेगिस्तान में सबसे कम वर्षा होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अटकामा में सबसे कम वर्षा होती है। अलनीनो की घटना का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हम्बोल्ट से है। ठीक है, ये पेरू के तट पे आता है। भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी परियोजना प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ नहीं की गई थी? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सरदार सरोवर बांध योजना। विश्व की लगभग 50% आबादी किन अक्षांश वृत्तों में निवास करती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 20 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ के बीच में। ठीक है, और विश्व की जो है कुल जनसंख्या का 90% जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है, जबकि 10% जो है दक्षिणी गोलार्ध में ये निवास करता है। ठीक है, जिसमें कि विश्व की कुल जनसंख्या का 10% 0 से 20 डिग्री नॉर्थ में और 50% 20 से 40 डिग्री नॉर्थ में। और ये जो निवासी होते हैं मुख्यतः एशिया के हैं। ठीक है, और 30% जो है 40 से 60 डिग्री नॉर्थ में, और ये निवासी है मुख्यतः यूरोप के। ठीक है, और 1% जनसंख्या जो है 60 डिग्री नॉर्थ के अक्षांशों के ऊपर निवास करती है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विश्व की लगभग 80% जनसंख्या जो है 20 से 60 डिग्री नॉर्थ के मध्य में पाई जाती है। ब्लैक होल से किसी भी प्रकार का कोई भी किरण बाहर नहीं आ पाता है, इस धारणा का मूल कारण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अति उच्च घनत्व। निम्नलिखित में से किस सागर में ज्वालामुखी उद्गार की घटना नहीं होती है?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बाल्टिक सागर। बिहार की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 88%। जयप्रकाश नारायण का संबंध बिहार के किस जिले से है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सारण जिले से है। सीताब दियारा इनके गांव का नाम है और इनको लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। बिहार के किन दो जिलों में दो लोकसभा क्षेत्र है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मधुबनी और समस्तीपुर में। किसके अभियान के परिणाम स्वरूप बिहार में कर्णाट वंश का अंत हो गया? कर्णाट वंश कहाँ थे? मिथिला में थे ये। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गियासुद्दीन तुगलक के कारण। बिहार में पहली बार पंचायत चुनाव कब संपन्न हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2000 ईस्वी में। शहद में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रथम। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सही उत्तर है ऑप्शन डी अन्य। ठीक है, पटना उच्च न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो थे पंडित लक्ष्मी झा। वो 8 अप्रैल 1950 से 1 जून 1952 तक रहे। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी संसदीय अधिनियम द्वारा। किसी राज्य का राज्यपाल अध्यादेश कब जारी कर सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जब राज्य विधानसभा भंग हो गई और कोई त्वरित कार्य करना पड़े। पंचायतों के खातों के देख रेख उसका अंकेक्षण कौन करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत या उसके द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति। निर्वाचन आयोग किसकी सलाह पर किसी संसदीय सदस्य को अयोग्य घोषित करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति की। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। तो ये दोनों ही सही है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। किसी वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए होम पेज कहलाता है। वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता क्या होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी संसद द्वारा निर्धारित की जाती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की वार्षिक रिपोर्ट की जांच कौन करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लोक लेखा समिति। एडवोकेट जनरल राज्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी नियत नहीं है। राज्यपाल की मर्जी पर निर्भर करता है कि उसका कार्यकाल कितने दिनों का होगा। ठीक है, वो लोकसभा स्पीकर जो बाद में राष्ट्रपति पद पर नियुक्त हुए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नीलम संजीव रेड्डी। भारत में योग्यता के आधार पर नियुक्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मैकाले कमिटी ने। और ये समिति जो है 1853 में आई थी। इसमें बताया गया था कि कंपनी के लोक सेवकों का चयन और भर्ती खुली प्रतियोगिता के आधार पर होगा, जिसमें भारतीयों को भी शामिल किया गया था। वह डिवाइस जिसका उपयोग ड्राइंग ग्राफिक्स बनाने और मेनू सिलेक्शन के लिए किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लाइट पेन। भारतीय संविधान है पहला लिखित संविधान, दूसरा अधिकांशतः गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर आधारित, तीसरा है ब्रिटिश संसद का पुरस्कार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1, 2 और 3 सही है। भारतीय मूल के व्यक्ति को जो भारत से बाहर रहते हो कि नागरिकता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन बी अनुच्छेद 8 में इसका वर्णन है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है? इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण का विवरण करने वाली 3 सूचियों का वर्णन संविधान में कहां वर्णित है? सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुसूची 7 में वर्णित है ये। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किसी राज्य में
राष्ट्रपति शासन की अधिकतम समय सीमा कितनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 3 वर्ष। जब देश में आपातकाल लागू होता है तब किसी भारतीय के मूल अधिकारों को समानता किसके द्वारा समाप्त कर दिया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। उस लोकेशन या टेक्स्ट के सिलेक्शन की पहचान करता है जिसे आप भविष्य में संदर्भ के लिए नाम देते और चिन्हित करते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बुकमार्क। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में सर्वप्रथम किसने स्वराज शब्द का प्रयोग किया? सही उत्तर है ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता ने कैबिनेट मिशन योजना का पूर्ण समर्थन किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस पद पर थे? ठीक है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी खाद्य एवं कृषि मंत्री। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी विंस्टन चर्चिल ने। इल्बर्ट बिल कब आया? इसका सही उत्तर है फरवरी 1883 में, ऑप्शन बी। किसकी अनुशंसा पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी राधा कृष्णन आयोग। 1897 में स्थापित द्वितीय अकाल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जेम्स लायल। बंगाल टाइगर की संज्ञा किस गवर्नर जनरल को प्राप्त थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लॉर्ड ब्लेजली को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे? सही उत्तर है ऑप्शन डी लॉर्ड क्रॉस। ठीक है। और वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। संथाल विद्रोह जो कि 1855-56 में हुआ था उसका केंद्रीय स्थल था? सही उत्तर है ऑप्शन ए राजमहल की पहाड़ियां। हाल ही में किस देश ने विश्व का सबसे छोटा रॉकेट बनाया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जापान ने बनाया है। महमूद हुसैन को किस देश का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बांग्लादेश। किस देश ने चाय को 154 वर्ष के उपरांत इंटरनेशनल ट्रेडमार्क प्राप्त हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी नेपाल को। नीलम कपूर को भारत की किस संस्था का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नियुक्त किया गया है। वर्ष 2017 का नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे प्राप्त हुआ? सही उत्तर है ऑप्शन ए रिचर्ड थैलर को। 63वां फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म का किसे प्राप्त हुआ? सही उत्तर है ऑप्शन डी हिंदी मीडियम को, जिसमें अभिनय की थी इरफान खान ने। राजीव राय भटनागर किस संस्था के प्रमुख हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए सीआरपीएफ। केसरी नाथ त्रिपाठी किस राज्य के राज्यपाल हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। सर्वप्रथम एनेस्थीसिया के रूप में किसका प्रयोग किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ईथर का। इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मिलिकन ने। कितनी परमाणु संख्या से ऊपर के सभी तत्व रेडियो सक्रिय तत्वों की श्रेणी में आते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 83। निम्न में से कौन अम्लीय प्रकृति का नहीं होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मानव रक्त क्षारीय होता है। लिमोनाइट किस धातु का अयस्क है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए Fe मतलब लोहा का। साधारणतः ट्यूबलाइट में किन दो पदार्थों का मिश्रण प्रयुक्त होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पारा और ऑर्गन का। किसे भूरी गैस कहते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ऑक्सीहाइड्रोजन को। किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना भी कहते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चतुर्थ योजना। निम्नलिखित में से कौन प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में प्रयुक्त होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पी रोम। भारत में कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अन्य। ठीक है। इसका जो निर्धारण करता है वो संस्था है भारत सरकार की सीएसीपी।
ठीक है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, असमान आय के वितरण को किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लॉरेंज बक्र। निर्मल ग्रामीण पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्वच्छता से। किस चोल राजा ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का नाम दिया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रथम ने। नागर स्थापत्य शैली मुख्य रूप से कहाँ विकसित हुई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तर भारत में। ठीक है, और ये नागर शैली में उत्तर भारत में बहुत सारे मंदिर बने हैं, जिनमें कि कंदरिया महादेव का मंदिर, लिंगराज मंदिर है, जगन्नाथ पुरी का मंदिर है, कोणार्क मंदिर है, खजुराहो का मंदिर है, और माउंट आबू में दिलवाड़ा का मंदिर है और सोमनाथ मंदिर है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हम्पी में। और हम्पी जो है कर्नाटक में है, और ये मंदिर जो है शिव को समर्पित है। ठीक है, और इस मंदिर का दूसरा नाम जो है पंपापट्टी है, और ये विजयनगर साम्राज्य के समय में बनाया गया था। मध्यकालीन भारत में जीतल शब्द किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सिक्का से। सल्तनत काल में इल्तुतमिश ने जीतल और टंका चलाया था, ठीक है, जिसमें कि जीतल जो होता था तांबे का और टंका जो होता था चांदी का होता था। किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया? सही उत्तर है ऑप्शन सी, जहांगीर। मलेरिया शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, खराब हवा। मानव शरीर की किस कोशिका में डीएनए अनुपस्थित रहता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आरबीसी में। मानव हृदय का वजन कितना होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 300 ग्राम। मानव मूत्र में पानी की मात्रा लगभग कितनी होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 95%। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑन्कोलॉजी। कैमेलिया सिनेसिस किसका वैज्ञानिक नाम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चाय का ये वैज्ञानिक नाम है। पायरिया से प्रभावित होने वाला अंग है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, मतलब दांत और मसूड़ा। रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कुक्कुट यानी मुर्गी से। कुल रेशम उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत भाग मलबरी रेशम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 90% मलबरी रेशम से उत्पादित होता है। भारत के राष्ट्रपति भवन में निवास करने वाला प्रथम ब्रिटिश वायसराय कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लॉर्ड इरविन। भारत के 6 अंक के पिन कोड प्रणाली में कौन सा अंक जिला को निरूपित करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तृतीय अंक। कर्म भूमि किसकी समाधि स्थल है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, शंकर दयाल शर्मा। मलयालम किस राज्य की राजकीय भाषा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केरल की। एक वर्ष में अधिकतम कितने पद्म पुरस्कार दिए जा सकते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 120। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक यांत्रिक तरंग है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ध्वनि तरंग। ठीक है, ऑप्शन डी होगा इसका सही उत्तर। और यांत्रिक तरंग किन्हें कहते हैं? जिनके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे ध्वनि, जल की तरंग, पराश्रव्य तरंग, तनी हुई डोरी का कंपन और ये सब। ठीक है, मानव शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, मतलब 98.4 डिग्री फॉरेनहाइट या 36.9 डिग्री सेल्सियस। निम्न में से कौन एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एक्स किरण। ठीक है, विद्युत चुंबकीय विकिरण जो होता है प्रकाश की किरण होती है, एक्स किरण होती है, गामा किरण होती है, रेडियो तरंग होते हैं। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सेल्सियस प्रवाह। गामा किरण का प्रयोग चिकित्सा विज्ञान के किस क्षेत्र में होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कैंसर रोग के लिए। गोल इंद्रधनुष को देखा जा सकता है?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों से, मतलब हेलीकॉप्टर से भी और पर्वत की ऊंची चोटी से भी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।